टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कल यानी 26 मई 2021 को बंद हो जाएंगे। क्या पूरे भारत में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर बैन हो जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। केंद्र सरकार की नई इंटरमीडिएट गाइडलाइन को लागू नहीं करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन को मंजूरी देने वाली डेडलाइन आज 25 मई को ख़त्म हो रही है। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर कल प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 25 फरवरी 2021 को सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नए नियम के पालन के लिए 3 महीने का समय दिया था। सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में कंप्लायंस अधिकारी और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने को कहा गया था और उन सभी का काम करने का क्षेत्र भारत में ही होना चाहिए, ये जरूरी रखा गया था। शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेंट और निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक चीज़ों को हटाने और नियम है। आदेश में यह भी कहा गया था कि सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर फिजिकल कॉन्टेक्ट पर्सन की जानकारी भी देनी होगी, मगर अभी तक केवल कू नाम की कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनियों ने अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की है। सोशल मीडिया पर पीड़ित लोगों को ये नहीं पता है कि वो शिकायत कहाँ करें, उनका समाधान कहाँ होगा। कुछ प्लेटफॉर्म ने इसके लिए 6 महीने का समय मांगा है। कुछ ने कहा है कि वो अमेरिका में अपने मुख्य कार्यालय से निर्देशों का इंतज़ार कर रहे हैं। ये कंपनियां भारत में काम कर रही हैं और भारत से मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन विदेशों में बने इनके मुख्य कार्यालय के आदेशों का इन्हें इंतज़ार है। ऐसे में कल यानी 26 मई से नियम लागू होंगे। आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत इन्हें इंटरमीडियरी के नाते लाइबिलिटी से छूट मिली हुई है, लेकिन इनमें से कई विषय वस्तु के बारे में फैसला कर रही हैं जिनमें भारतीय संविधान और कानूनों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। नए नियम के 26 मई 2021 से लागू होने के बाद अगर कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती हैं तो उनका इंटरमीडियरी स्टेटस छीन सकता है और भारत में मौजूदा कानूनों के तहत आपराधिक कार्रवाई के दायरे में आ सकती है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।